हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका जून 2021 में एग्जाम था, जो कि अब एक्सटेंड होकर अगस्त 2021 हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही आईसीएसआई ने इस एग्जाम को लेकर तीन नए अनाउंसमेंट किए हैं, तो वो तीनों अनाउंसमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अनाउंसमेंट नंबर 1, जब से नया टाइम टेबल आया है और आईसीएसआई ने क्लियर किया है कि जून वाले एग्जाम अगस्त में होंगे, तब से ही कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम एग्जाम देने को तो रेडी हैं, लेकिन हम एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं। तो आईसीएसआई ने आप लोगों को एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। कल से 10 जून से लेकर 3 दिन तक, 12 जून तक, 10 जून, 11 जून और 12 जून तक एग्जाम सेंटर चेंज करने की विंडो ओपन रहेगी, तो आप उस विंडो को यूज करके अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। अनाउंसमेंट नंबर 2, ये गुड न्यूज है ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि जून 21 ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, लास्ट अटेम्प्ट अब एक्सटेंड कर दिया है और अब सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस लास्ट अटेम्प्ट बढ़ाकर दिसंबर 21 कर दिया है, यानी कि दिसंबर 21 तक भी ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। थर्ड अनाउंसमेंट, जो कि मैं बता जरूर रहा हूं आपको, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। थर्ड अनाउंसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑप्ट आउट ऑप्शन। आईसीएसआई ने कहा है कि जो भी स्टूडेंट जून 21 वाले एग्जाम अगस्त में जो हो रहा है नहीं देना चाहते हैं, तो वो दिसंबर 2021 में अपना एग्जाम कैरी फॉरवर्ड कर ले, इस एग्जाम से ऑप्ट आउट कर ले, आपकी एग्जाम फीस कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब मैं क्यों इसे रिकमेंड नहीं करता, ऑप्ट आउट ऑप्शन तब अच्छा होता है जब सेकंड साइकिल अवेलेबल हो, कि जून में एग्जाम हो रहे हैं, आप जून में नहीं देना चाहते, सितंबर में फिर से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, दे देना। लेकिन यहाँ कोई सेकंड साइकिल नहीं होगी, आप अगस्त से ऑप्ट आउट करेंगे तो डायरेक्टली आपको दिसंबर 21 वाला एग्जाम देना है, तो फायदा क्या है, केवल एग्जाम फीस आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं नहीं मानता कि एग्जाम फीस इतनी सब्सटेंशियल है कि आप उसकी वजह से अपना अटेम्प्ट मिस कर दें। तो मैं अभी भी यही कहूंगा, लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने एग्जाम के 1 दिन पहले आकर आपको कहा था कि ऑप्ट आउट ऑप्शन ऑप्ट मत करना, उस समय भी मेरे कुछ लॉजिक थे, आज भी मेरे वही लॉजिक है। आज एक मेरा आर्गुमेंट एक्स्ट्रा है कि जून 21 का एग्जाम अगस्त में अगर होता है तो देना ही बेहतर होगा, क्योंकि तो आपको नहीं पता कि दिसंबर 21 में हालात क्या होने वाले हैं, कौन सी वेव आ जाए, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, वी डोंट नो। हालांकि हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, वी होप कि ऐसा कुछ ना हो, बट वी डोंट नो कि दिसंबर 21 में सिचुएशन क्या होने वाली है। तो अभी आप एग्जाम में अपियर करें, जब तक कि आपकी फैमिली की सिचुएशन ज्यादा ही खराब ना हो या आप खुद कोविड पॉजिटिव है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम तो अभी खुद कोविड पॉजिटिव है, एग्जाम कहां से देंगे। तो ऐसी सीरियस कंडीशन से तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एग्जाम ऑप्ट आउट करें। तो मेरी अभी रिकमेंडेशन यही होगी कि ऑप्ट आउट ऑप्शन को इग्नोर किया जाए। तो ये तीन अनाउंसमेंट थे जून 21 एग्जाम को लेकर। कुछ और भी अनाउंसमेंट अगर आईसीएसआई करती है आपके एग्जाम को लेकर, देन आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट इट टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।